हाय गाइस, गुरु गेमिंग के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हुआ गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SND के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय गेम मोड है उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी नए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल प्लेयर है जो 3-4 दिन पहले गेम खेलना शुरू किया है फिर अभी इंस्टॉल की है एंड समझ नहीं आ रहा SND क्या है, कैसे खेला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पहले तो SND मोड एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड आप कैसे आप लोग उसको खेल सकते हो उसमें मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, एकदम बेसिक चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे ये मोड में आपको मैं शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ, ये मोड कॉम्पिटिटिव मोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम बोले तो। यहाँ पे ना हर एक चीज़, एक प्लेयर की हर एक चीज़ पता चल जाती है कैसे वो खेलता है, और एक टीम की भी हर एक चीज़ पता चल जाती है वो टीम कैसी है। सो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग पब्लिक मैच खेलेंगे एंड वही स्टैंड ऑफ मैप। तो यहाँ पे हम लोग, पहले तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मोड एक्सप्लेन, ओके क्या है ये मोड और कैसे खेला जाता है उसको बाद में बात करेंगे, पहले के भी क्या है ये मोड। तो यहाँ पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय SND में टोटल दो टीम होती है, एक अटैकिंग टीम और एक होती है डिफेंडिंग टीम। अटैकिंग टीम बॉम्ब उठा के बॉम्ब प्लांट करने आएगी, बॉम्ब जो मैप होता है उसमें ए और बी दोनों स्पॉट होते हैं बॉम्ब के, वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करने आएगी, जबकि डिफेंडिंग टीम है वो उनको बॉम्ब प्लांट नहीं करने देगी। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, एक कि अटैकिंग टीम आ रही है और वो डिफेंडिंग टीम को मार देती है बॉम्ब प्लान करने से पहले, तो अटैकिंग टीम जीत जाएगी। डिफेंडिंग टीम अटैकिंग टीम को मार देती है, अटैकिंग टीम बॉम्ब प्लान करे उससे पहले, तो डिफेंडिंग टीम जीत जाएगी। अब यहाँ पे अटैक करने वाली जो टीम है वो इनकेस अगर बॉम्ब प्लान कर दे तो क्या, अगर अटैकिंग करने वाली टीम बॉम्ब प्लान कर देती है तो जो डिफेंड करने वाले हैं उनको पूरी टीम को मारना पड़ेगा, उसके बाद बॉम्ब डिफ्यूज भी करना पड़ेगा। बट अगर पूरी टीम को नहीं मानना तो आप लोग सीधा जाके बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हो, बट आप सीधा जाके बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज बॉम्ब के आसपास उनके बंदे होते हैं, कभी कभार तो पूरी की पूरी टीम होती है उनकी, तो आप लोग ऐसे ही बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर सकते, उनके बंदे क्लियर करने पड़ेंगे, पूरी टीम को मारना पड़ेगा। ओके, हाई रैंक पे तो यही होता है, लो रैंक पे तो आप निंजा डिफ्यूज कर लो तो चलेगा, या निंजा डिफ्यूज या फिर नॉर्मली तुरंत भाग के डिफ्यूज कर दो तो चलेगा। बट इन शॉर्ट आप लोग उनको मार के, अगर बॉम्ब प्लांट हो जाता है ना तो आप ऐसा नहीं कि बस उनको मारना है, उनको मार के फिर आपको डिफ्यूज भी करना है। और यहाँ पे टोटल 2 मिनट का टाइम होता है ये पूरे मोड में, तो आप लोग ऐसा मत समझना कि भाई ओ भाई दो मिनट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभार ना आप पूरी टीम को मार दोगे बट बॉम्ब डिफ्यूज का टाइम नहीं मिलेगा और बॉम्ब फट जाएगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखना था। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सेकेंड चीज़ तो वो कि भाई कैसे खेला जाता है। तो पहले हम लोग ये क्लियर कर देते, बॉट आ रहे, आई थिंक मैं मर जाऊँगा, मूड नहीं है मेरा खेलने का, आपको गेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। स्टिल एक बाहर है लेफ्ट साइड पे, ओके वो गया राइट साइड पे, चलो भाई कहाँ जा रहा है भाई, ओ भाई बॉट, ये लोग बॉट जो है ना यार बहुत बोरिंग है। एक लेफ्ट साइड पे आगे सामने और एक ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर है, चलो तो यहाँ पे 1v5 क्लच लोल बॉट है, वैसे दो प्लेयर थे और बाकी के बॉट थे सर। तो चलो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया SND क्या है, अब दूसरी कैसे खेली जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी मैं डिफेंडिंग टीम से हूँ, ओके डिफेंडिंग, सामने वाले होते हैं अटैकिंग। तो यहाँ पे अगर मैं डिफेंडिंग टीम हूँ तो मेरे को रश नहीं करना, मेरे को मेरी एक पोजीशन पकड़ के रखनी है, जैसे कि भी मैं आपको आगे समझा रहा था आगे के 2 राउंड, ओके। तो यहाँ पे मैं खड़ा रह रहा था, आपने देखा होगा इस एरिया में, तो आप लोग यहाँ पे खड़े रहो या फिर आप लोग इस रूम में जाओ या फिर आप लोग यहाँ पे खड़े रहो, वॉट एवर कहीं, बट आपको डिफेंड करना है, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे डिफेंड करना है, ओके। यहाँ पे आप लोगों को सीधा घुसना नहीं है कि भैया चलो स्पॉन में चलो उनके बेस में जाओ मारो उनको, ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप डिफेंडिंग टीम हो तो आपको डिफेंड करना है, क्योंकि अटैकिंग जो टीम होगी वो आएगी क्योंकि उनको बॉम्ब प्लान करना है, अगर वो लोग बॉम्ब प्लान नहीं करेंगे तो वो हारेंगे। अगर पूरी की पूरी मैच 2 की 2 मिनट वो लोग अपने बेस में रहेंगे तो वो लोग ही हारेंगे क्योंकि बॉम्ब प्लान नहीं किया। सो यहाँ पे आपको वो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि भाई बंदे आए नहीं आए, तो बंदे आएंगे ही। और जो अगर आप लोग अटैकिंग टीम में हो तो आप लोगों को आपके बेस से निकलना पड़ेगा एंड घुसना पड़ेगा उनके बेस में, मतलब कि जहाँ पे भी ए और बी हो गया वहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ए यहाँ पर है, ओके, और बी इस तरफ है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों तरफ होते हैं, और कोई भी एक जगह पर आप टीम जितने भी 5 बंदे डिस्कस करके आप लोग कोई एक जगह पे जाओ ए या तो बी, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ पे अब
मेन चीज क्या है, मैं देखता हूँ जब भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलता हूँ तब ना डिफेंडिंग टीम होके प्लेयर घुसते हैं, रस करते, तो आपको वो गलती नहीं करनी। डिफेंडिंग टीम हो तो डिफेंड करो। अब ऐसा भी नहीं कि भाई पूरी की पूरी गेम डिफेंड करनी है एक ही जगह पे, नहीं, बॉम्ब प्लांट होता है या फिर आपके टीममेट कॉल देते हैं कि भाई यहाँ पे बंदे यहाँ पे, तो उनको मानने भी जाना है, बट शुरुआत में सीधा घुसना नहीं है, जैसे एज अटैकिंग टीम नहीं बनना। ओके, तो यहाँ पर ये था पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया एसएनडी गेम मोड क्या है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई बेसिकली कैसे खेला जा सकता है। अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट बताऊंगा जो कि कुछ कुछ चीज़ें, तो पहली तीसरे पॉइंट में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैंपिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो इस मोड में ना कैंपिंग होगी। ओके, एज कम्पेयर टू अदर मोड यहाँ पे भी कैंपिंग होगी। सो कैंपिंग के रिलेटेड आपको ना मैप नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस मैप में इस मोड में कौन से स्पॉट्स पे लोग कैंप करते हैं, तो वो जैसे जैसे आप एसएनडी खेलोगे तब पता चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को बस सीधा आप लोगों ने शुरू किया और आपको पता चलेगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मुझे अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं, अब मेरे को पता है कि भाई बंदे कहाँ कहाँ कैंप करता है, बट पहले मेरे को इतना नहीं पता था। जब मैं गेम खेल रहा था शुरू, तब मैं बहुत कैंपर से मरता था, मेरे को इतना पता नहीं था। सो आपको भी शुरुआत में नहीं पता होगा, तो जैसे जैसे आप जान लोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, एंड देन फिर आप मास्टर बनोगे एसएनडी में। अब मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ, ये एसएनडी मोड ऐसा है कि जिसमें अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कभी भी रैंडम के साथ मत खेलो, ये मोड तो मत खेलो। बाकी अदर मोड खेलते हो तो चलेगा, आप उसमें कैरीड कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें अगर आप मर जाओगे ना तो आप फिर नेक्स्ट राउंड में स्पॉन होंगे, तुरंत उसी राउंड में स्पॉन नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ना हर एक प्लेयर को अपना 100% देना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर गेम मोड्स, बहुत ही कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत ही। तो रैंडम प्लेयर के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग खेलो ये मोड, तो आप अपनी टीम बना के खेलो। ओके, पूरी आप अपने स्क्वाड के साथ खेलो, अपने जो क्लेन मेंबर है उसके साथ खेलो, बट कभी भी इस मोड को रैंडम के साथ मत खेलना। अगर खेलना है तो तभी खेलना जब आप इस मोड में प्रो बन जाओ, जब आपको इस मोड का पूरा नॉलेज हो और आप इजिली 1v4 1v3 क्लच करने की ताकत रखते हो, ओके, दम हो आप में, तभी रैंडम के साथ खेलना, तो क्या आप राउंड भी निकाल सकते हो। बाकी जब नई नई गेम शुरू कर रहे हो आप लोग या फिर वी को एसएनडी में, तो रैंडम के साथ कभी मत खेलना, बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, आप अपने आप रेज में आ जाओगे आप लोग। सो मेरे साथ ये सब बहुत हुआ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये था पूरा एसएनडी मोड, एंड ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, बाकी मैं इस मोड में ना 1 घंटे तक का वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा ये मोड है, बहुत ही तगड़ा मोड है, मेरा फेवरेट मोड है पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके बाद मुझे पसंद जो है वो डोमिनेशन, उसके बाद हार्ड पॉइंट। तो लाइक कर देना, कुछ भी अगर क्वेश्चन हो आप लोगों को तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, मैं जो भी क्वेरी हो क्वेश्चन हो मैं आंसर दे दूंगा, आपका क्लियर कर दूंगा जो भी कन्फ्यूजन होगी वो। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ओके, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्तर नुस्खा तो खेलते रहिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल।